फ्रेंड वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। टाटा स्टील की तरफ से रिक्वायरमेंट लेके आ गए हूँ। फ्रेशर्स के साथ एक्सपीरियंस होल्डर दोनों के लिए जॉब का वैकेंसी है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसीलिए मैं ऑल ट्रेड कैन एलिजिबल करके मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड के लिए यहाँ पे जॉब का वैकेंसी है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखेंगे तब ITI के लिए भी रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा के लिए भी रिक्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। ओके, कैसा तुमको बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहने वाले, कितना सिटी सीडेंट जा सकता है, सारी डिटेल्स इन दिस वीडियो में कवर करेंगे। बट उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले से लाइक करवा देना, क्योंकि इतना अच्छा जॉब का वैकेंसी तुम लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ इसीलिए। और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, और एक चीज़ बात है, यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि सारे डिटेल्स में यहाँ पे बताएंगे कैसा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर तुम लोगों को ले बताएंगे। ओके, और कितना सिटी सीडेंट जा सकता है। ओके, और क्वालिफिकेशंस क्या मांगा है, सारे डिटेल्स तुम लोगों को ले बताएंगे, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ओके, क्योंकि डिटेल्स में देखो तब तुमको समझ में आएगा कैसा बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में तुम कमेंट करोगी तब तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बताती हूँ, क्योंकि कमेंट आने का कोई चांसेस नहीं रहेगा इसीलिए। ओके, सो थोड़ा सा डिटेल्स में इन दिस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, चलो लेट स्टार्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो टाटा स्टील का करियर सेक्शंस में मैं पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे टोटल 81 जॉब का वैकेंसीज है। बट 81 जॉब के बारे में बताएंगे तो वीडियो और भी लेंदी हो जाएगा, सो देखने का मन नहीं करेगा। सो बेसिकली मैं शॉर्टली तुम लोगों को ले बताएंगे। ओके, जैसा देख सकते हो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे तुम्हारा जीरो करके पहला में तुम्हारा जीरो करके मेंशन है, उसमें तुम्हारा फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। जैसा देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर के लिए फ्रेशर्स रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे तुम्हारा फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिन लोग ITI कम्प्लीट किए उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैनेजर के लिए भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें टोटल 15 वैकेंसी निकल के आ रहे हैं अलग अलग लोकेशंस के लिए, देख सकते हो। और यहाँ पे तुम्हारा फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहला में 0, 0, 3, 0, 4 ऐसा करके है, मेडिकल ऑफिसर्स, देन तुम्हारा ऐसा करके मैनेजर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। ओके, ऐसा देख सकते हो 0, 2, 3 करके मेंशन है, कोलकाता लोकेशंस के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, सो ऐसा करके बहुत सारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रहा है, जिसमें तुम्हारा फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस होल्डर के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, जैसा देखेंगे एक्सपीरियंस होल्डर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जमशेदपुर लोकेशंस के लिए मिनिमम 3 मैक्सिमम अप टू 7 इयर्स, इसमें तुम्हारा मैकेनिकल जिन लोग कंप्लीट के BBTEC उन लोगों के लिए दिस रिक्वायरमेंट है। ओके, शिफ्ट सुपरवाइजर के लिए भी रिक्वायरमेंट है, देख सकते हो। और यहाँ पे तुम्हारा डिप्लोमा के लिए रिक्वायरमेंट है, जिन लोग कम्प्लीटली डिप्लोमा किए उन लोगों के लिए दिस रिक्वायरमेंट है, बट यस एक्सपीरियंस होने से तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा माइनिंग और मैकेनिकल जिन लोग कम्प्लीट किए उन लोग को लेकर रिक्वायरमेंट है। फीमेल के लिए भी एक रिक्वायरमेंट है, देख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर लेवल का जॉब का अपॉर्चुनिटीज है, बट यहाँ पे क्वालिफिकेशन जैसा बोल रहे BTEC कम्प्लीट करना चाहिए इन मैकेनिकल और मेटेरोलॉजी। ओके, तक तो मैनेजर स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, सिविल के लिए रिक्वायरमेंट है, BE BTEC कंप्लीट करना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। ओके, यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, एक चीज़ बात है यहाँ पे तुम शॉर्टली देख सकते हो। सो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा तुम्हारा जॉब नेम, अभी जो जॉब तुम कर रहे हो यहाँ पे बेसिकली नेम मेंशन करना पड़ेगा, रोल क्या है और स्किल क्या है मेंशन करके यहाँ पे सर्च बटन में जाके क्लिक करके तुम डायरेक्ट देख सकते हो। ओके, सपोज एज ए एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को लिए दिखा देना चाहती हूँ, देख सकते हो यहाँ पे सिविल ट्रेड के लिए मैं जॉब कर रही हूँ, स्ट्रक्चरल के लिए ओके जॉब ढूंढ रही हो। सो यहाँ पे सर्च बटन में जाके क्लिक किया और उस बाद यहाँ पे देख सकते हो टोटल 9 वैकेंसीज निकल कर है, जिसमें सिविल ट्रेड के लिए ओनली 4 है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो सिविल के लिए रिक्वायरमेंट है टोटल 9 वैकेंसीज, और यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली देख सकते हो एक्सपीरियंस होल्डर के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसा तुम्हारा एरिया मैनेजर, देन तुम्हारा डिटेलिंग मैनेजर, डिटेल मैनेजर स्ट्रक्चरल के लिए भी रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस। ओके, ऐसा करके यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा, उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर डिजाइन के लिए भी रिक्वायरमेंट है, ऐसा करके तुमको दिखाई देगा। सो शॉर्टली तुम जब तुम यहाँ पे मेंशन करोगी और सर्च बटन में जब क्लिक करोगे। ओके, आते हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, मैं पहले बात है जैसा मैं अप्लाई करूँगी ऐसे ही सेम प्रोसीड्योर है। ओके, पहले तुमको तुम्हारा जो अपना ट्रेड देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस है तो अच्छा बात है, नहीं है तो फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स जो भी है यहाँ पे देख लेना। सपोज मैं एक दिखा दूंगी, जैसा मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए देखेंगे,
और यहाँ पे क्लिक कर दिया। और ये तुम्हारा फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, सारे रीड आउट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा अप्लाई नाउ बटन में जाके क्लिक करना पड़ेगा। ओके सो मैं फ्रेशर्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी सेम प्रोसीड्योर है। ओके और पहले तुमको सारे डिटेल्स देखना पड़ेगा, तुम्हारा अपना स्किल देखना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, नहीं है तो नो, जो भी है देखना पड़ेगा। उसके बाद अपना ट्रेड देखना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा, सारे डिटेल्स तुमको पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद अप्लाई नाउ में जाके क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इन लोगों का जो प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा। सो आई एग्री बटन में जाके क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा जो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी है, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना पड़ेगा, जेंडर, कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जो भी है कैटेगरी डालना पड़ेगा, करंट सिटी यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस है तो अच्छा बात है, फ्रेशर्स के लिए जीरो करके मेंशन करना पड़ेगा। ओके सो जीरो, उसके बाद यहाँ पे जीरो, ऐसा करके यहाँ पे तुमको मेंशन करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए कितने साल एक्सपीरियंस है मेंशन कर सकते हो, रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो अच्छा बात है, बट फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे जीरो जीरो करके डालना पड़ेगा। उसके बाद करंट एनुअल सैलरी एक्सपीरियंस होल्डर के लिए कितना है यहाँ पे डालना पड़ेगा, और फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे 0.00 करके डालना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हो ये तुम्हारा करंट एनुअल सैलरी, देन एक्सपेक्टेड सीटीसी के लिए यहाँ पे फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस होल्डर दोनों के लिए डालना पड़ेगा। फ्रेशर्स के लिए मैं बताएंगे, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए तो पता है ऑलमोस्ट। ओके सो एक्सपेक्टेड सीटीसी तुम्हारा आईटीआई के लिए देखेंगे, सो मिनिमम 2 से लेके 2.5 LPA तक तुम्हारा एक्सपेक्टेड सीटीसी हो सकता है। ओके एज ए फ्रेशर्स टाइम बता रही हूँ। डिप्लोमा होल्डर के लिए देखेंगे तब तुम्हारा 2.5 से लेके 3 LPA तक एक्सपेक्टेड सीटीसी। देन इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर के लिए देखेंगे तब तुम्हारा 3 से लेके 3.5 LPA तक तुम्हारा एक्सपेक्टेड सीटीसी रेंज जा सकते हैं। ओके अप्रोक्सीमेटली इतना डाल सकते हो। उसके बाद तुम्हारा नोटिस पीरियड यहाँ पर डालना पड़ेगा, सो मिनिमम नोटिस पीरियड 7 डेज से लेके मैक्सिमम अप टू 28 डेज तक तुम्हारा नोटिस पीरियड होता है, सो यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो टाटा ग्रुप कंपनीज में अभी काम कर रहे हो तो अच्छा बात है, नहीं है तो नो, और प्रीवियसली कभी काम किया टाटा स्टील में अच्छा बात है, नहीं है तो नो, जो भी है यहाँ पर डालना पड़ेगा। ओके देख लेना। उसके बाद हाइस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल सकते हो, तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा, ग्रेजुएट, मास्टर, जो भी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद एजुकेशन स्पेशलाइजेशन यहाँ पे डाल सकते हो। ओके जैसा तुम जो भी है तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग है डिप्लोमा, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अपना ट्रेड यहाँ पे देख लेना। ओके साइंस देख सकते हो यहाँ पे बीटेक यहाँ पे डाल दिया मैं एजुकेशन स्पेशलाइजेशन। ओके उसके बाद टाइप ऑफ कोर्स, कैसा टाइप कोर्स है, फुल कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट, जो भी है पार्ट टाइम यहाँ पे डाल सकते हो, फुल टाइम जो भी है, तो मैं फुल टाइम डाल दिया। उसके बाद रेज्यूम यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम फाइल साइज 3 MB, उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, और डॉक फाइल PDF फाइल भी यहाँ पे हो जाएगा। ओके एडिशनल सर्टिफिकेट कुछ भी होगा तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कुछ सर्टिफिकेट है तो। ओके उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा टर्म ऑफ यूज, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म में जाके क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रोसीड्योर है, वेरी सिंपल। ओके नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्योर, यहाँ पे बेसिकली पहले शॉर्टलिस्ट करेगा, उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। सो इंटरव्यू में जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा सिलेक्शन होगा, यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। पहले तुमको शॉर्टलिस्ट करेगा, सारे डिटेल्स देखेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू। ओके ऐसा ही प्रोसीड्योर है। और तुम्हारा सीटीसी तो पहला बात है, तुम्हारा फ्रेशर्स के लिए उतना ही सीटीसी हो सकता है। ओके और अप्रोक्सीमेटली फ्रेशर्स के लिए तुम्हारा 2 से लेके मैक्सिमम अप टू 5 LPA तक एक्सपेक्टेड सीटीसी हो सकता है। ओके फ्रेशर्स के टाइम में, और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो और भी सीटीसी रेंज जा सकता है। सो मैक्सिमम अप टू तुम्हारा एक्सपीरियंस होल्डर के लिए 15 LPA तक हो सकता है। ओके क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पोजिशन वाइज यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेक्टेड सीटीसी हो सकता है। बेसिकली एक्सपेक्टेड सीटीसी कैसा काम ज़्यादा हो सकता है, पहला बात है तुम्हारा क्वालिफिकेशन, सेकंड जो है तुम्हारे पास एक्सपीरियंस, उसके बाद तुम्हारा डेजिग्नेशंस। ओके उसके बाद कंपनी, अच्छा कंपनी में काम किया हो तो उसके ऊपर डिपेंड करके भी
तुम्हारा CTC और भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है ऐसा। सो अप्रोक्सीमेटली मैं बता रही हूँ उतना हो सकता है। और इंडिया के अंदर एनी स्टेट अप्लाई कर सकते हो, सो ऑल इंडिया कैन एलिजिबल, सो दिक्कत वाली बात नहीं है। सो जिन लोग इंटरेस्टेड जरूर अप्लाई करना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज। फ्रेशर्स के लिए है, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है, सो अलाउ है यहाँ पे। और अप्लाई करने का कोई मतलब, अप्लाई जो अभी एप्लीकेशन जो फॉर्म है अभी चल रहा है, बट कुछ टाइम के बाद ऑफ भी हो सकते हैं। ओके, सो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम में तुम करोगी तब क्या होगा, तुम्हारा एक्सपायर हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सपायर हो जाएगा, तब करने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो तुम लोगों के लिए बता रही हूँ। ओके, सो जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना। ओके, सो वीडियो पसंद लगा तो पर ऐसा लाइक करवा देना, और ऐसा नया नया जॉब का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, और जिन लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट नहीं हो, डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में भी कनेक्ट हो सकते हो, जिसमें तुम्हारा बहुत सारे जॉब का वैकेंसी दिखाई देगा, बट फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा देने का जरूरत नहीं है, लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि मैं सारे डिटेल्स बताती हूँ। ओके, सो एक बाई एक पॉइंट डिटेल्स में शेयर करती हूँ, क्योंकि तुम लोगों का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसीलिए। सो थोड़ा सा लाइक करवा देना। सो फिर से आएंगे एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी लेके। सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।